रोती बिलखती ये लड़की मधु कुमारी है, जो आज अपने भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए फरियाद लेकर बोकारो एसपी कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि बीते 22 जुलाई को बालीडी थाना इलाके के कोडाडी गांव के 32 साल के बलराम सिंह उर्फ मनोज सिंह का शव कुएं से बरामद हुआ था। मामले पर बलराम के परिजनों ने बालीडी थाने में नामजद 4 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, उल्टे उनको टॉर्चर भी किया। ऐसे में पुलिस के रवैये से नाखुश परिजन आज अपनी गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। मेरे भाई का मर्डर हुआ है 22 तारीख को, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे कह सकते हैं कि मर्डर हुआ है? क्योंकि उनको आधा रात को बुला करके घर से ले जाया गया है। उनका नाम हम लोग खुद दिए थे, हम लोग सभी गवाह हैं कि वो हमारे घर से उसको लेकर के गए। दोषी लोग को हम लोग खुद पकड़ के पुलिस को दिए, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं की। पुलिस 24 घंटा उसको रखी और फिर वापस घर में लाके छोड़ दी। पुलिस कुछ नहीं सुन रही है। पुलिस कल हमको बुलाए 12 बजे और हमको एक रूम में बैठा के बहुत टॉर्चर की। वहाँ पे एक भी महिला पुलिस नहीं थी। वहीं इस मामले पर एसपी चंदन कुमार झा ने कहा कि शव मिलने के 2 दिन पहले से ही युवक मिसिंग था और कुएं से शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम में जो बातें सामने आएंगी उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मधु कुमारी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर को निर्देश दिया गया है, वो थाना जाकर चीजों को वेरीफाई करेंगे और आरोप सही होंगे तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। वो हमसे अभी ऑफिस में मिलने उनके परिजन आए थे, उसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप थाना जाके उस चीज़ को वेरीफाई कीजिए। अगर उनका आरोप सही होगा तो जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।